बीते 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे नियोजित शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय के करीब बैठे सैकड़ों नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। शिक्षकों का आरोप है कि समान काम के लिए समान वेतन और अन्य महत्वपूर्ण मांग को लेकर वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार और विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए ये लोग सड़क पर उतर आए हैं। आज मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आर के महाजन जो शिक्षा सचिव और उनका पुतला दहन का कार्यक्रम था। और पिछले 18 दिनों 17 तारीख 17/2/2020 से हम लोग हड़ताल पर हैं और सरकार एक अंधी बैरी गोंगी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और हम लोग इससे पहले भी कार्यक्रम किए हैं, एकजुट होकर मशाल जुलूस निकाले हम लोग। उसके बाद फिर पिछला 5 तारीख को जिला स्तरीय आक्रोशपूर्ण मीटिंग हम लोग के धरना प्रदर्शन बहुत जोरदार। इस बीच सरकार ने हम लोगों के दमन को, कार्यक्रम को दबाने का दमनात्मक कार्रवाई शुरू किया है, लेकिन हम लोग डरने वाले भी नहीं हैं। किसी भी कीमत पर जब तक हम लोग पूर्ण राजकर्मी का दर्जा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। 16 मार्च से परीक्षा होने का संभावना है। पिछला मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी हमारा बहिष्कार चला, जहां तहां के लोगों को लाकर जैसे तैसे एग्ज़ाम लिया गया, इंटर का एग्ज़ाम लिया गया और अभी मूल्यांकन कार्यक्रम जैसे तैसे इंटर का सरकार करा रही है। ये समझिए कि ठेके पर काम करवा रही है। और अभी जो मैट्रिक का मूल्यांकन चल रहा है, यहां पर भी सरकार एरो गैरो नथु खैरो से पता नहीं शिक्षा के साथ क्या करना चाह रही है, वो सरकार ही जाने। देखिए, मैं हर वो क्रांतिकारी का मैं सहयोग देता हूँ जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार उनको प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार, समान काम का वेतन का अधिकार। ये आप संविधान में आप पढ़िए, ये जाहिल सरकार संविधान को पढ़ना नहीं चाहती है। और जितने भी लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, संवैधानिक रूप से उठा रहे हैं, लेकिन उसके संविधान को दरकिनार कर दिया है। यही वो सरकार है जो दिल्ली में हमारे संविधान को फाड़ने का काम किया था। ये संविधान को फाड़ करके पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। ये संवैधानिक जो अधिकार है इनका, एक शिक्षा का अधिकार और एक जो है समान काम समान वेतन का अधिकार, ये दोनों संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इन लोगों को पिछले 10-20 वर्षों से इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, टीचरों का। मैं अमौर और बैसा के समस्त जनतागण की ओर से मैं मोहम्मद शहाबुज़्ज़मान पुरजोर इनका समर्थन करता हूँ और इनके हर आंदोलन में मैं साथ देता हूँ। और ये ढीठ सरकार को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बार बार एग्जाम आ रहा है, बार बार ये ठेके पर कहाँ कहाँ से जाहिल लोगों को रख करके एग्जाम दिला रहा है। ये बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि जो टीचर लोगों को हटा करके दूसरे लोगों से काम कराया जा रहा है। गरीब का और लाचार बीमार इन लोगों का, और ये समझ लिए गांव देहात सुदूर इलाके का लोगों का बच्चा पढ़ता है ये सरकारी स्कूलों में, उनके टीचरों को ये लोग जो है दरकिनार करने का ये निकम्मी सरकार काम कर रहा है। नीतीश कुमार एक निकम्मी और पलटू राम सरकार है, इसको अगली चुनाव में उखाड़ फेंका जाएगा। आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ।